ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये जो बच्चे वाली आवाज वाली चीज है ना, ये मैं बचपन से करते आ रही हूँ, तो मुझे नहीं पता था इसके पैसे मिलते हैं। हाँ मतलब कि मैं तो ठीक कैजुअली करती थी, ठीक मुझे नहीं पता था करियर होता है ये, कि हाँ किड्स राइम गाना, बच्चों की आवाज में बोलना। वो मेरे को समझ नहीं आता, मुझे कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा रैपर्स फॉलो कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे रैपर्स फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि चार दीवारी करके रैपर है, अरे और एक रागा करके है। रागा तो दिल्ली वाले रैपर। ये गाने का जो एंड वाला वर्स है, ये एक तरह से कंक्लूजन है गाने का। कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिन, रोती रहूंगी बस अवरा रात और दिन, आज आंसू बहने ही थे। एक लड़का बड़ा फनी इंटरेस्टिंग सा था, अरे क्या करती रहती हो, जाकर सो जाओ। फिर अगले दिन, मतलब मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, और बताओ आज कॉफी बनाई क्या। सीन कर कुछ भी लिया होगा, बात, सीन आ गया कुछ होगा। भी सीन नहीं किया मैंने, उसको खुद से बातें करा जा रहा है अपने आप। कि एक लड़का उसने बना रखा था लड़की की फोटो लगा के, और वो करता रहता था कॉमेंट वगैरह, दीदी दीदी वो गाना सुना दो ना प्लीज। मैं कर देती हूँ ऐसे रिप्लाई व्लाई कर देती हूँ, जो मुझे कोई कहता है गाना वॉइस नोट करके भेज देती। कहता वो ना, मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि मैं जेन्युइन फैन हूँ आपका, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक लड़का हूँ जिसने लड़की की अकाउंट बनाई है। जैसा आपने अभी मोमेंट की बात की थी ना, कि आप उस मोमेंट में हो, मैं ऐसे लिख रही हूँ, वो मैंने एक्चुअली इस गाने में किया था। कि क्या याद है वो चीजें जो साथ में करनी थी, हाँ है यही वो कमरा जहाँ बातें हजार की थी। तो ये क्या कि बात है। ये वही कमरा है जहाँ मैं गाना लिख रही हूँ, वही कमरा है जहाँ बातें हजार की थी। हाँ मतलब मेरी वन ऑफ द फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स जो अब नहीं है कोई, और अचानक से वो बंदा तुम्हारे साथ रोज है, लेकिन उसके पापा का हो जाता है ट्रांसफर। तो वो जो इमोशन है कि यार मैं तेरे को ही तो हर चीज बताती थी, तेरे से ही तो हर बात शेयर करती थी, अब मैं किसके बारे में बात करूंगी, हमारी बातें भी होनी कम हो जाएंगी। ऐसे ही था कि पहचाने मेरे आंसू बारिश में भी, क्यों मिले होना जो था जुदा, तुम नहीं अब यादें रहेंगी, अब होगा सब कुछ बेवजह। हो अज जाननी मैं जान तेनू देना, गल संग वाली सारी मैं मिटा देनी आ, फोटो दिल दे कोने चे जो लुका के सी मैं रखी अज। सिंगिंग फिर आपको ऐसा लगता है कि वॉइस, मतलब आपको लगता है मैं कि मेरे को वॉइस ओवर और डिकोडिंग में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट, मज़ा आता है सिंगिंग में। कवर्स बनाने में ऐसा नया क्रिएटिव वाला फील नहीं आ रहा है कि कुछ। हाँ एग्जैक्टली, मैं सर सिंगिंग का यही चीज़ रहती है। बाकी ऐसा नहीं कि मुझे डिकोडिंग करना पसंद है, हाँ मुझे अब ये फिर क्लीशे ऑब्जर्व। लगेगा हाँ क्या करना। क्लीशे लगेगा, बट मेरे को ऐसा खुश करना है लोगों को। ओके हाँ मेरे को ये था कि मेरी वो पर्सनालिटी है, आई थिंक पीपल्स पर्सन मैं हूँ, है ना। और अगर मैं इतना स्ट्रेस है लोगों में, इतना ज़्यादा सब इतना दुखी दुखी, अभी लॉकडाउन के बाद कितने डिप्रेशन डिप्रेशन हाँ केसेस, सुसाइड वगैरह, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से ज़रा सा भी कोई खुश हो रहा है ना। वो जब हाँ मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि जब मैं ऑफिस से आता हूँ मेरा स्ट्रेस सारा खत्म हो जाता है आपकी वीडियो देख क्या के, बात वो है। छोटी छोटी चीज़ें जो हाँ होती हैं, तो इसके लिए आई थिंक आई लिव फॉर दिस। कैसे आपके वो कैसे हैं, जो फॉलोअर्स है ऑडियंस है वो कैसी है, थोड़े बूस्टिंग है या फिर कोई हेट कमेंट आते हैं? मुझे लगता है आने चाहिए, आते नहीं नहीं है, आते। कम आते अरे हैं, आते होंगे, कम आते हैं। देखते हो आप हेट कमेंट, कमेंट्स पढ़ती हो? कमेंट्स पढ़ लेती हूँ मैं, जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाती, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हाँ तो हेट कम ही होती है टच वुड। अब पता नहीं अच्छी बात है कि बुरी, मुझे लगता है आनी चाहिए तभी तो मज़ा है। हाँ लेकिन आप प्रोसेस ही बता देती हो ना अपना पूरा रील में, कि देखो जैसे एक आध आपने बताया था कि मतलब आप खुद भी दिखाती हो ना कि मैं भी अटेम्प्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हाँ एक्सपर्ट हूँ और एकदम एक बार में बोला और ये मेरी दिखा दिया। टैक्टिक थी एक्चुअली, हाँ कि जैसे एक गाना था अभी वो इंदर मंदिर हाँ को, वो हाँ मुझे आता नहीं था, एंड वो मुझे ऐसा लगा कि इस कंटेंट पे लोग ऑफेंड हो सकते हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने डिकोडिंग को करते अनडिकोडिंग कर दिया, हाँ उल्टा कर दिया कि मुझे आता नहीं है, मैं तुम्हारे लिए डिकोड नहीं कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ तुम्हारे साथ हाँ लर्निंग करके या लर्निंग अनडिकोडिंग। करके। तो हाँ मैंने उसका नाम रख दिया अनडिकोडिंग, हाँ जबकि सेंस नहीं है इस बात का कोई भी, डी अनडिकोडिंग। को कोलावरेडी के साथ भी यही किया है। हाँ शायद कोलावरेडी के साथ भी अनडिकोडिंग ही करी है। तो ये एक टैक्टिक था कि ऑफेंड भी ना और मज़ा भी आ जाए, कोई कुछ हाँ कह भी ना तो फिर पाए। ऐसे कंटेंट में ये अप्रोच करते हो आपके, मैं सीख मतलब उसको रिपीट कर रही हूँ जैसा और मैं वो। एक्चुअली सीख ही रही होती हूँ, मुझे आता तो है नहीं वो चीज़, आई थिंक वो लोगों को नहीं आती चीज़, वो कुछ रेयर चीज़ें जो गाने में होती हैं तो उनको अच्छी लग जाती है तो फिर वो। कैसे करते हो आप, क्या ढूंढते हो, मतलब जो माइंड में चल रहा होता है बैक बैक क्या बोलते हैं इसको, बैक एंड प्रोसेस में चल रहा होता है, जैसे कोई ऑडियो आई और चाहे वो ट्रेंडिंग है, जैसे एक बंदा नहीं था जो
छोटा बच्चा है, लड़का है, वो बोलता है कुछ के मंजिल को हाँ पा वो वाली वीडियो बनाई है। तो गए। उसमें जब आप देखते हो कि एक बंदा इतने एलिवेशंस के साथ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो क्या दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मुझे इसको कैसे कॉपी करना है, कैसे रिपीट करना है? तो देखो वॉइस ओवर्स करते हुए ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हाँ लाइक आई थिंक सिंगिंग तो बचपन से ही, मान लो बचपन से ही चली आ रही है विद टाइम, अच्छी हुई है। बट वॉइस ओवर्स जो थे ना वो आई थिंक मुझे साल भर हुआ होगा, साल या 1.5 साल। मुझे कोई पता नहीं था कहाँ से सीखना है, कोई ऐसा था नहीं गुरु एज ए, है ना, देख के सीखती थी, कर करके सीखती थी, सैम्पल्स बनाती थी अपने, वो सब करती थी। बट मुझे लगता है डिकोडिंग के जरिए ना मैं खुद भी सीख रही हूँ, है ना। तो वो सीखना सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। मैं हाँ उस चीज़ एक एक चीज़ जो ऑब्जर्व करती हूँ ना कि हाँ अच्छा इसने मंजिल को ऐसे बोले, मंजिल ऐसे करा है उसने, हाँ तो ये भी एक आई थिंक वॉइस का पार्ट है कि तो ऐसा हाँ मुंह बन रहा है उससे, अब तुम्हारी आवाज़ हाँ निकल रही है। ये तो जानना है, ये तो अभी आप बताया ना रियल गोल्ड के, हमको देखो बहुत सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, इमोशन, फेस फेस लिफ्ट या जो भी फेस को हो रहा है उसको, तो ये सब आप क्या क्या चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट बताओ, क्या क्या कैप्चर करते हो जिसको देखकर कम या जिसको सोचकर बंदा देख सकता है कि अच्छा इसने ऐसे करा है या फिर अजीब गरीब मूव बनाया, तो इसकी आवाज़ पे फर्क पड़ा है। पड़ता है आई थिंक कुछ कुछ भी, अगर कोई एग्जाम्पल जैसे अगर जैसे अगर उनके सिंचैन की आवाज़ ले लेते हैं, किसी भी कार्टून कैरेक्टर की आवाज़ ले लेते हैं जो एनिमेटेड है, हाँ जिसका हम फेस इतना आपने वो गाना सुना निंजा हथौड़ी का गाना, हाँ वो नहीं बड़ी पहाड़ों पे बड़ी चल आंखें, हाँ हाँ पहाड़ों पे चलता हूँ कुछ ऐसी था ना, देखो कौन अपने शहर आया। तो हाँ वो आप नॉर्मल मुंह से नहीं बोल सकते देखो हाँ कौन अपने, फील ही आ नहीं बोल गई सकते, हाँ सही है बात ना। है, तो आपको बनाना पड़ेगा वैसा मुंह, आपको फील करना पड़ेगा कि ऐसी आवाज़ कैसे निकलेगी, कैसा मुंह बनाऊं, कैसी वो। एक तो हम सिंगर्स हैं तो हमको पिच विच की थोड़ा पता है ना अंदर से, हाँ चाहे है ना चमकता वे। है आपको ये हर मतलब हर जगह चमकता है, जैसे कहते हैं ना कि हॉर्न की आवाज़ में सुनाई दे गया, हाँ दिखता है कि ये वो कुछ वाला लोग शी कहते शार्प, ये शार्प, वो शार्प, ऐसा दिखता करते है। हैं ऐसा लोग, मेरे एक हाँ दोस्त है बहुत क्रेजी है वो, ठीक है, हाँ उसको हर चीज़ मतलब उसको वो होता है पिच परफेक्ट करके एक चीज़ होता है, टर्म हाँ होता है। तो वो लोग होते हैं जो अभी आप जिस टोन पे बात करो वो उसका वो बता देंगे हाँ कि ये है कौन ना से स्केल पे चार्ली बात कर रहा चार्ली है। पूथ सिंगर है एक, हाँ वो है ना हमारा बंदा, वो वो है बताता है म्यूज़िक क्रिएट करके देता है वो, कि ऐसे मतलब ग्लास लिया मारा टिंग उसने करा वो, टिंग ये कौन सा करा, सुर वो है स्केल, स्केल है उसने, वो हाँ रिकॉर्ड कर लेगा ऐसी तीन चार निकाल के, उसको थोड़ा बेस बूस वही डाल के एक गाना हाँ बनाता है। कितनी बड़ा क्रेजी चीज है बहुत लेकिन बहुत क्रिएटिव है और बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि बहुत। आपको नॉलेज, वो कहता है मेरे को बचपन से ही दिखता था हर हर आवाज़ में, हर उसमें मेरे को हर टाइप बाय का, बर्थ होते हैं कुछ हाँ लोग पिच परफेक्ट, उनको ईयर बाकी होता है बेसिकली ईयर सब। ट्रेनिंग वही चीज है। हाँ तो आपने फिर, आपको नहीं अभी इतना ध्यान नहीं देती आप नहीं गानों मैं में, तो हाँ आई थिंक मुझे थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है बट मुझे अंदर से नॉलेज है, मेरे तो को आप एक जैसे कॉन्शियस वाली। फादर मदर मिमिक्री करी, या फिर आपने कभी किसी की कोशिश करी है कि मैं मिमिक्री करूं? नहीं मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है मुझे ऐसा लगता है तो वो वो सेम ही तो है वॉइस ओवर में, आपको एक्सप्रेशन मतलब, हाँ क्योंकि आप उस गंभीरता से, जैसे अगर कोई गंभीर होकर बोलेगा तो वो गंभीर हो रहा है, जैसे अमिताभ बच्चन की तो सबने करी है बचपन में मिमिक्री, आपने नहीं करी? मैंने नहीं करी, आपने करी है हाँ क्या? सबने करी है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, सबने करी है। बट तो वॉइस ओवर के टाइम पे एक तो बच्चों वाला हम पकड़ते हैं, निंजा हथौड़ी वाला, तो उस टाइम पे आप क्या दिमाग में चलाना पड़ता है पहले कि मुझे बच्चा बनना है, बच्चे की टोन पकड़नी है, या फिर फिजिकली चेंज लाते हो, या फिर मेंटली, फिजिकली मेंटली फिर वॉइस निकलती है, तो कैसे प्रोसेस बताओ प्रोसेस? ये जो बच्चे वाली आवाज़ वाली चीज़ है ना हाँ ये मैं बचपन से करती आ रही हूँ। ठीक मैं है अपनी मम्मी से भी ऐसे बात, मम्मा ऐसे करके कुछ भी ऐसे बात करती थी, तो मुझे नहीं पता था इसके पैसे मिलते हैं मुझे हाँ लगता मैं तो ठीक कैजुअली करती थी, ठीक है मुझे नहीं पता था करियर होता है ये, कि हाँ किड्स राइम गाना, बच्चों की आवाज़ में बोलना, वॉइस ओवर, नहीं पता था उस टाइम ये सब चीज़ें। हाँ तो अब मुझे समझ आता है कि अच्छा ऐसे है, बाद में घुसी ना प्रॉपर पर फिर आवाज़ टेक्निकल खराब हो जाती एस्पेक्ट्स है में। ना अगर कोई नकली कर रहा है तो, अगर अगर वोकल कॉर्ड्स पे अगर स्ट्रेस दे रहा है बहुत, अगर प्रैक्टिस नहीं है अगर, हो है जाता है ऐसा, ना बीच में एक चुड़ैल की आवाज़ कोशिश की थी, अब वो मुझे बताओ कहना मत प्लीज़ यार प्लीज़, वो ना मेरा गला ख़राब हो जाता है उससे। तो वो मैं चुड़ैल करती थी, मैंने उनको मना भी कर दिया क्लाइंट को कि उनको पसंद आने लग गई थी वो चुड़ैल वाली आवाज़, तो कहते कौन से इन्हीं से चैनल तक कराना है इसे, उनका कुछ आइडिया बताओ वो हम। मैं भूल गया। मैंने बहुत पहले किया था, मैं एनिमेटेड स्टोरीज करती थी उसमें हाँ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, जैसे औरत की आवाज़, बच्ची की आवाज़, क्या बात चुड़ैल की है, आवाज़। तो वो भी मेरा मतलब वो था एक्सपेरिमेंट था वो मेरा, मुझे आता नहीं था कुछ भी, करती फिर थी, भी भेजता था हाँ क्लाइंट तो चल ठीक है करके देख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो ये वाला एटीट्यूड था, तो चुड़ैल वाली करती थी और उसके बाद मेरा गला काम नहीं करता था बिल्कुल हाँ भी। आप ऐसे ट्राई करते हो जैसे कोई वीडियो चला के म्यूट करके उस पर वॉइस ओवर करने की कोशिश करते हो? करा तो नहीं अभी तक,
बट करते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट करते हैं ऐसे, मतलब मैं तो यूट्यूब से देख देख के हाँ। जो हमको जैसे भुवन बाम करता है, जो अभी ये अंबानी वेडिंग वो वेडिंग हाँ। प्री वेडिंग ये है, डबिंग जो डबिंग, करते हैं हाँ। तो वॉइस ओवर और डबिंग में फर्क है क्या? डबिंग तो वो होती है ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई मूवी इंग्लिश में है उसको हिंदी में डब करी है ना, तो आपको लिपसिंग भी मैच करनी पड़ती है, जिस हिसाब से बोल रहा है उसी उतनी ही देर में बोलना, जितने में उसका डायलॉग खत्म हो गया उतने में आपको बोलना है, तो कुछ छोटी छोटी स्किल्स इसमें आई थिंक एक्स्ट्रा आ जाती है। लिप के हिसाब से, लिप मूवमेंट के हिसाब से आपको उसके डायलॉग्स आपने बनाने हैं, फिर फनी बनाना है, फिर फनी बनाना है। वॉइस ओवर में हम एक कांस्टेंट एनिमेशन या कांस्टेंट सिनेरियो पे वॉइस पीछे डाल रहे हैं, उसमें आई थिंक कोई टाइम की वो नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती, बट डबिंग में होती है। क्या वॉइस ओवर जो आर्टिस्ट होते हैं वो अच्छे स्पीकर बन सकते हैं? जरूरी नहीं, मतलब सामने से कह रहे हो, अगर कैमरे के सामने बोला ना, स्पीकर बोले तो जैसे मोदी साहब है तो अच्छे स्पीकर है वो, अच्छे ऑडियंस को अच्छे तरह से वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, स्टोरी टेलर बन सकते हैं, मतलब वही जो सारी स्किल्स रिलेटेड होती है स्टोरी टेलिंग। तो वो आपको लगता है कि वॉइस ओवर किसी को वॉइस ओवर सीखना है या क्या सीखे वो, जो अच्छा स्किल, अच्छे स्किल जैसे कि स्टोरी टेलर बन पाए, पोएट बन पाए, या इन एटलीस्ट उसके लिए बेस लाइन खड़ा कर सकते हैं, तो कुछ है ऐसा कोर्स या कुछ ऐसा जिसकी वजह से? तो आई डोंट थिंक कि वॉइस ओवर्स का कुछ ऐसा ऐसा कोर्स होगा, होंगे टीचर्स होंगे जो लेते होंगे बड़ा बड़ा अमाउंट और फिर सिखाते होंगे, क्योंकि है नहीं इस इंडस्ट्री में ज्यादा ऐसा कोई कोर्स वोर्स आई थिंक वॉइस ओवर नहीं। तो वो होता है ना आरजे मास कम्युनिकेशन में सिखाते होंगे शायद, मुझे हाँ मास्कॉम में, हाँ मास्कॉम में सिखाते होंगे, सही कह रहे हो आप, हाँ उसमें आरजे वर्जे का कोर्स होता है। तो क्योंकि जनरली एक क्यूरियोसिटी रहती है सबको कि हम बहुत फैसिनेट होते हैं देख के कि यार कितनी अच्छी कहानी सुना रहा है, तो क्या हमको पॉजेस सिखाते हैं वॉइस ओवर में? बिल्कुल, पॉजेस का तो बहुत बड़ा रोल है, ऑल्सो डिक्शन का बहुत बड़ा रोल है, जो मेरी बहुत ख़राब है और थी, इस तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी। तो कैसे सीखते हैं वो, कैसे काम करता है कोई बंदा, कैसे काम कर सकता है डिक्शन, पॉजेज और राइट प्रोनंसिएशन और एम्फेसिस, कि मुझे ये वर्ड इस वजन के साथ बोलना है, अगर मुझे खुशी बोलना है तो खुशी में ऐसे गम के साथ ना बोलूँ कि खुशी, पर खुशी बोलूँ तो हाँ, तो पहले तो वो वर्ड पता होना चाहिए क्या क्या उसका इमोशन है वर्ड का, है ना, खुशी है तो खुशी पता है, खुशी होती है ठीक है। और बाकी आप इस चीज़ को आई थिंक डिक्शन आप इम्प्रूव कर सकते हो थ्रू रीडिंग बुक्स या न्यूज़पेपर्स, उसको उस तरीके से पढ़ो जैसे आप एक वॉइस ओवर बोलोगे रिकॉर्ड करोगे है ना। तो आप, मैंने करा था ऐसा, मैं एक बार स्टूडियो में गई थी और मुझे किसी ने नंबर दिया कि अच्छा वॉइस ओवर करना है आपको, जाओ जाओ, मैं आपको एक स्टूडियो का नंबर देता हूँ, गई मैं, कहता जाओ वो स्क्रिप्ट पढ़िए उधर पढ़ो, मुझे आता ही नहीं था कुछ, बिल्कुल नूब वॉइस ओवर, पर करना था, बस ये पता था करना है, आता नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्शियस थी बहुत ज़्यादा, कहते जाओ अगली बार आना प्रिपेयर करके आना फिर मैं गई दोबारा करके गई मैं। तो कैसे चली, कैसे गए आप ऐसी जगह पर जहाँ पर हो रहा था, पता कैसे चला कि यहाँ पर होता है? मेरे एक्चुअली जानकार थे, मैंने ना ऐसा पहले एक बार, जैसे मूवीज आपने देखी होंगी कोई भी, ऐसे इंग्लिश टू हिंदी डब्ड होती है उसमें कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पे क्राउड वाला सीन होता है ना, तो वहाँ पे अलग अलग, अरे ये क्या कर दिया इसने, है ना, वो जो वाली चीज क्राउड नॉइज जो होती है, तो वो ऐसे ही गए थे रिकॉर्ड करने, ऐसे कि बुला लिया था साइड हसल, उस टाइम तो पता भी नहीं था वॉइस ओवर करना है या क्या, तो साइड में अरे ये क्या कर दिया इसने, वो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट, तो ये किया था, तो उनका नंबर था मेरे पास, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया कि बताओ यार मेरे को करना है आगे वॉइस ओवर, सीरियसली करना है, वो सीरियसली नहीं लेते ऐसी बात, कोई कर दे अगर हम भी नहीं लेंगे एक बार को कि यार तुझे करना है, ऐसे थोड़ी हो जाता है, अब तो ले लेंगे क्योंकि अब तो ऐसे जमाना है कुछ भी चल सकता है, ये तो इससे भी पैसे कमा सकते हैं हम, हाँ। तो फिर उन्होंने दिया नंबर, गई मैं दो बार रिजेक्ट होकर आ गई, मैं खुद ही करेंगे फिर धीरे धीरे लिंक्डइन से ही मुझे काम मिला। लगा आपको झटका लगा था उस दिन के, आप और सीखना पड़ेगा? नहीं, मुझे ना कंफर्म था ऐसे ही होगा, अच्छा, तो ज्यादा बुरा नहीं लगा हाँ, और शायद हुआ भी इसलिए क्योंकि कंफर्म था, वही चीज माइंड गेम, खुद ही सोच सीक्रेट, ठीक है। तो फिर वहां उसके बाद घर आए आप, तो ये किसी ने सिखाया, कोई गुरु था जो एम्फेसिस, इमोशंस, इमोशन कंट्रोल और कैसे पता लगाना है, क्योंकि स्क्रिप्ट जब हमारे दिमाग बोलता है ना कोई बंदा, आपने बोला स्क्रिप्ट, तो याद आता है, समझ में आता है कि पन्ने होंगे, पन्ने ही पन्ने पन्ने, तो लेकिन हम अगर पूरे पन्नों से ट्राई करेंगे तो हम कहीं ना कहीं तो लैक करेंगे ना इमोशंस में, एम्फेसिस में, उसके क्या कह सकते हैं राइट डिक्शंस में, तो वो कैसे स्टार्ट करना है, एक छोटी सी लाइन पकड़नी है या कोई पोएम पकड़नी है? आई थिंक इमोशन समझना चाहिए, और इमोशन जैसा आपने बोला पॉजेस की जो बात कही आपने, पॉजेस से सबसे बड़ा रोल होता है आई थिंक इमोशन का, है ना, जैसे कोई सेंटेंस दो आप मेरे को, जैसे कि एक सेंटेंस मैं, हाँ ये अच्छा एक्सरसाइज है करते हैं इसको, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको हम दो इमोशन में ट्राई करेंगे, है ना, हैप्पीनेस में और सैडनेस में, या एंग्री में भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस है कि मेरी लॉटरी लग गई है,
यार मेरी लॉटरी लग गई है, तो ये खुश वाला हो गया। अब दुखी दुखी होके कौन बोलता है लॉटरी? बोलते हैं ना यार मेरी लॉटरी लग गई है, तो ऐसे बोलेगा ना थोड़ा दुखी होके। तो ये तो हो गई इमोशन की बात, लेकिन अगर आप पॉजिटिव की बात करो, उसके लिए एक सेंटेंस दो, उसके लिए हम बात करते हैं कि कैसे कैसे पॉजिटिव। हाँ उसको तो कैसे तो बड़ा देना पड़ेगा सेंटेंस। कुछ भी दो ऐसे रैंडम। दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जैसे दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बहुत पे आपको एम्फेसिस देना पड़ेगा ये दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा है ना, तो यार दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे नहीं दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फील ही नहीं आई। और या फिर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तौर पर कि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मतलब आप हर एक अलग अलग वर्ड पे एम्फेसिस देते चलो, ताकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर फ्यूचर में जाके मुझे कहीं ना कहीं एम्फेसिस देना होगा तो मैं अलग अलग सेंस। हाँ ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा आई थी। हाँ वही तो। हाँ कर सकते जैसे वो था ना पीके मूवी, अच्छा हमको सिखा दिया है, अच्छा देखिए अलग अलग। हाँ देखा है पीके। तो मतलब अगर मैं, क्योंकि मैं एक वो तैयार करना चाह रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट, ताकि वो बंदा उसको जाके यूज कर सके। तो अगर किसी को एम्फेसिस करना सीखना है किसी वर्ड पे किसी इमोशन पे, तो वो एक सिंपल न्यूट्रल सेंटेंस पकड़े और उसमें यूज करना शुरू करे, जौन सा चाहे उसे स्टार्टिंग में देना है चाहे बाद में देना है। तो लेकिन आपने कोई इसकी ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं, जो मैं बता रही हूं होता है वैसा आप करते हैं। वही चीज है हमेशा हर स्क्रिप्ट के साथ ऐसे ही रहा है कि जैसे में ये मुझे विद टाइम ही आई है पॉजेस वाली चीज, मेरी बहुत खराब थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी, मैं नूब थी, बताया ना मैंने आपको कि सिंगिंग आती थी, वॉइस ओवर में एकदम न्यू थी मैं। तो फिर कैसे खुद कैसे से कर करके खुद से कैसे कर रहा है बंदा? किसी को तो देखा होगा, कोई तो फॉलो करा होगा ऐसे। एक भैया थे जिनके थ्रू मुझे काम मिल जाता था कभी कभी, वो खुद भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, उनको मैंने लिंक्डइन पे कनेक्ट किया था, तो वो मुझे गलतियां मेरी बताते रहते थे। तो आई थिंक उनसे मुझे फीडबैक जो मिलता था उसको ही मैं और सोचती थी। कोई ऐसा वो काम है वॉइस ओवर में जो आपको लगता है कि मैं तो इसको मतलब चैंपियन बन चुकी हूँ इस काम? कौन सा है वो? किड्स राइम। ठीक है ठीक है। वो मुझे लग चुकी हूँ चैंपियन, क्यों पता नहीं, मैं शायद बच्चे मुझे बहुत पसंद है। अरे नहीं वो वाला आंसर नहीं बताना, मतलब ऐसे स्किल लेवल पे बता रहे कि स्किल लेवल पे किसी को बताना, मैंने बचपन से करा है वो चीज। अच्छा हाँ मुझे पता है, मम्मी से ऐसे बात करती थी मैं। एक अलग से कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऐसा लगता है कि इसमें तुम नहीं कर सकते, मुझे रिजेक्ट कर भी दोगे, तुम्हारी वो है, तुम्हारी वो नहीं बैठी, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है वो चीज है। जैसे बच्चे बातें करते तो आपको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो आजू बाजू बच्चे अपने? बिल्कुल। क्या मैं बताया, मैं बच्चे बहुत पसंद है तो मैं उनको ऑब्जर्व भी करती हूँ एंड मुझे अच्छा लगता है। राइम में ना बहुत खुशी से रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ। खुशी होती एक है। बताओ थोड़ा बच्चों जो हम कोई क्लिप काट देंगे और बच्चे वहाँ वायरल हो जाएंगे बच्चों की ऑडियंस में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। हाँ। तो ऐसी ऐसी हो जाती है, मोर ले गए। इसमें आपको वोकल कॉर्ड्स पे फर्क नहीं, मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें? आदत हो गई अब। आदत तो ठीक है, पर करते ना जैसे एक होता है हम स्ट्रेस डालते हैं कुछ स्ट्रेस तो आता ही है। आई थिंक देखो इसकी भी ना टेक्निक होती है कि तुम कैसे गा रहे हो। आई थिंक कुछ तो होती है, देखो मुझे ऐसे टेक्निकल मुझे पता नहीं है, वर्ड नहीं पता, पर अंदर से पता है, फीलिंग बता दो। फील वर्ड फीलिंग बताओ कैसे फील कर रहा है? फील बोले तो जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे होली वगैरह में चीख रहे होते हैं बंदे, तो एक होता है जो एब्डोमेन से चीख रहा होता है तो उसको कम प्रेशर आएगा वोकल कॉर्ड पे, यही सही तरीका भी है। तो लेकिन जब आप बोल रहे हो या ऐसे पतली आवाज निकाल रहे हो, चाहे लड़का निकाले पतली आवाज या लड़की निकाले, उसको तो लड़कियों की तो पिच वैसे भी हाई होती है, लेकिन हम जब निकालते हैं लड़की बनने की एक्टिंग करते हैं फोन पे जब तो हाँ जब दोस्त लोग बात कर रहे होते हो पीछे से आवाज निकालते हैं कि फलाना ये और इधर किसके साथ बात कर रहे हो कौन है ये, तो हमें पतली करनी पड़ती है, फिर स्ट्रेस पड़ता है। वो कम टाइम के लिए करते हैं तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप तो आपने एज अ वर्क के हिसाब से कर रहे हो तो उसमें कितना फर्क पड़ता है? कुछ प्रैक्टिस प्री रिचुअल्स हैं जैसे शहद का शॉट लेना, गर्म पानी पीना? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि गले पे जितना ज़्यादा तुम प्रेशर दोगे तो उतना खराब होता है। ओके उस पर जोर नहीं देना, टेक्निक आपको सीखनी पड़ती है विद टाइम। क्या है टेक्निक? ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे वो फील होती है अंदर से कि अगर इधर में ज्यादा जोर डालू, जैसे मैंने बताया चुड़ैल वाली आवाज, तो उसमें लगता था ये चीज। ओके तो ये खराश जो होती है ना, बूढ़ापन दिखाने के लिए, बूढ़ापन भी और थोड़ा ईवल दिखाने के लिए वो चीखना पड़ता था काइंड ऑफ, तो चीखोगे तो गला ही खराब होगा। हाँ। है ना, तो वो तो ऑब्वियसली बात है। लेकिन ये जो बच्चों वाली है इसमें देखो सुर भी है, ऐसा बेसुरा कुछ नॉइस नहीं कर रही मैं। है ना, तो ये भी चीज है। और मुझे पता है मैं कहीं मुंह के अंदर कोई पार्ट है वहां से निकलता है। okay. यहाँ से नहीं निकलता एग्जैक्ट, मुंह के वो पीछे से कहते हैं ना यहाँ, हाँ कहीं से बीच में से निकलता है, तो ये चीज है। मतलब कितना वाली बात है कि आपको
टेक्निकलिटी नहीं पता, लेकिन यू कैन स्टिल कैन डू इट. तो इससे ये पता चलता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकली घुस जाओ चीज में फिर आपको आएगा. कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि आप प्रैक्टिस करते रहते हो, अप्लाई करते रहते हो, तब आपको उस पर मास्टरी मिलती है. लेकिन जो टेक्निकल वाले बंदे होते हैं उनको टेक्निकल सीख तो टर्म्स पता होते हैं, उनको टर्म्स पता होते हैं और फिर वो करते हैं, तो उनको वो एक कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस भी हो जाते हैं इसी बात को लेकर कि क्या मैं सही कर रहा हूँ यार, मैं वैसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा. हाँ. तो एक वो सीन भी आ जाता है. इसलिए अच्छा है कि आप अप्लाई करना शुरू करो, फिर टेक्निकलिटी सीख सकते हो. पर एक वहाँ पर भी फायदा मिल गया आपको कि जो आपके साथ गाइड करने वाले मिल गए, वो उन्होंने थोड़ा गाइड हाँ, कर दिया. तो इमोशंस कैसे पकड़ते हो आपको, या अपने डीअटैच करते हो अपने आप को? जैसे अब हम राइम की बात करें, बच्चों की राइम, तो जब छोटा बच्चा कोई दिमाग में आता है, लड़का आता है, लड़की आती है. हाँ, मुझे वो बताते हैं उस हिसाब से कि मतलब मेरी एक आवाज़ फिक्स्ड हो चुकी है कि इसी आवाज़ में गाना है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं. तो मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी शुरू में. बच्चे का एज ग्रुप जिसके लिए 2-3 साल. अच्छा, प्री स्कूल. प्री स्कूल जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल बोलने. हाँ, वही प्री स्कूल. ए बोलो, बी बोलो, ऐसा भी हाँ. होता है. अरे ये क्या कर लिया? अच्छा, ऐसे वाला. ओके, ठीक है. तो आप बना लो अपना एक व्लॉग चैनल बच्चों की आवाज वाला, ना बहुत चलेगा. मैं भी सोच रही थी कैरेक्टर बना लूं, मैं कोई वीडियोस बनाने शुरू करूं, उसमें कैरेक्टर बना लूं मैं ना. उसमें तो फिर जैसे मेक जोक ऑफ है ऐसी. तो वो मैंने देखा नहीं. मेक जोक ऑफ वाला नहीं है जो एनिमेटेड है वो? तो हाँ. नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली बनूंगी, मतलब सामने से. मैं बताऊँ फिर क्या कर सकते हैं? कठपुतली ले आओ एक छोटी जो हैंड वाली होती है, उसको वॉइस ओवर दे, उसको आवाज पे दे दो ऐसे करो. हाँ. और उसकी लाइफ में चैलेंजेस बता दो. हाँ. और उसको मोटिवेशन बना सकते हो कि ये बंदी, ये बंदा या बंदी मोटिवेशन, ऐसे ही दूसरा बंदा बना दो आपको. कैमरा इसमें ना खुद तैयार होना, कुछ नहीं होना, बस. हाँ. वो कहते सेज़मी स्ट्रीट करके जो है, मतलब फॉर अ चेंज कुछ नहीं, कुछ भी कर सकते. देखो मैं ना इस चीज में लगता है काफी फ्लेक्सिबल हूँ. मेरा कुछ मन करता है मैं कर लेती हूँ, सोचती नहीं यार कैसा लगेगा ये, मजा आता. अच्छी बात ये है कि यू हैव वॉइस, मतलब यू हैव वन टैलेंट या वन स्किल जिसके अराउंड हम कुछ भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. और जो चल रहा है, जैसे कि आप किस टाइप का कंटेंट देखते हो यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मैं अगर बताऊँ थोड़ा सा, लोग मेरे को जज कर लेंगे. करवाओ. अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया वाले जज करते हैं फिर. मेरे को ना कंट्रोवर्सीज देखना बहुत पसंद है. देख रहे हो आजकल आप? हाँ, मैं देखती हूँ आजकल. वो एल्विश वाली मत पूछना, वो नहीं पता है. हाँ. बट मुझे मेरे को अच्छा लगता है. हाँ, बताओ ना किस किस तरह की फॉलो करिए फिर, हम देख मैं देखता हूँ, मुझे याद है कि नहीं. कुछ भी, मतलब बहुत ही शर्मनाक बात लगती है मुझे बतानी. नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी सब देखते हैं. रजत दलाल वाली देखी है? नहीं, रिसेंटली कम देखा मैं, कंटेंट में ज्यादा घुस गई ना. हाँ, बनाने में. पहले वाली कौन सी देखी थी? कुछ नहीं, किसी की लड़ाई हो रही है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी शादी टूट रही है. लफड़े, ई लफड़े, लफड़े, ई लफड़े. हाँ. देखती है वो जो इंस्टाग्राम पे ई लफड़े करके इंस्टाग्राम पेजेस बने पड़े लड़ाई हो के? नहीं, इंस्टाग्राम पे डेडिकेटेड पेजेस बने पड़े हैं जहाँ पर छोटे छोटे तबके, छोटे छोटे उनकी लड़ाइयाँ रिकॉर्ड करके डालते हैं. अरे बड़ा, मतलब मैं अकेली नहीं हूँ. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट, बहुत वायरल होता है. मेट्रो की लड़ाइयाँ तो सब नहीं देखी. अरे मेट्रो में पता है क्या हुआ था एक बार? आप देखा होगा कि कोई बूढ़े अंकल आते हैं तो सब उठ जाते हैं. अरे अंकल बैठ जाइए. तो अंकल आए, बच्चा कहता कि अंकल बैठ. नहीं, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ. बूढ़ा समझ रहा है? बूढ़ा नहीं हूँ मैं. खड़े थे बुरे चौड़ में. मेरे सामने मेट्रो में एक लड़ाई होने जा रही थी, बट हुई नहीं. मैं चाहती हूँ एक बार तो होए मेरे सामने. जैसे ये वो वाली कॉर्नर नहीं होता जो दरवाजे के साइड में टेकने की जगह होती है, वहाँ पर एक लड़का और लड़की बहुत ही वैसे थे, मतलब वो बेचारे स्टार्टिंग कपल थे या फिर क्या था, थोड़े निबी. तो और जो बैठा था वो थोड़ा हेल्दी सा पुलिस वाला था, लेकिन जब तक वो बैठा था तो उसकी ड्रेस नहीं दिख रही थी, जैकेट थी, ठंड का टाइम था. तो वो थोड़ा हाथ वाथ पकड़ रहे थे और गले वाले लग रहे थे. तो वो एकदम से बोलता है नीचे बैठ के कि तमीज में रह ले, तमीज में रह ले. तो बोलता है तुझसे क्या कह रहा हूँ, वो कपल निब्बा निब्बी बोलते हैं, तुझसे क्या कह रहा हूँ. बोलो नहीं समझ रहा, अभी भी बहस कर रहा है. और वो खड़ा हो गया वो बंदा जो उससे कह रहा है तमीज में रह ले. अब वहाँ पर होने वाला था, मुझे कुछ टेंशन थी माहौल में, कुछ थी टेंशन, गर्मा गर्मी हुआ नहीं कुछ. नहीं, चाहिए था. मैंने कहा स्टेशन तो अभी बहुत दूर है, करो ना कुछ. हुआ नहीं, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं. पर मतलब ये बहुत लोग आजकल अपने आप को बहुत लकी समझते हैं जब लड़ाई को विटनेस कर लेते हैं. हाँ. मतलब राजीव चौक एक प्लेस हुआ करता था जहाँ पे मिल ही जाता था कुछ ना कुछ कंटेंट, लेकिन अब नहीं है, सबसे क्राउडेड. तो इसके अलावा यूट्यूब होम पेज पे और क्या दिखता है? व्लॉग देखते हो किसी के? पहले देखती थी मैं गौरव तनेजा. पहले मैं भी देखता था उनके. अब पता नहीं क्यों इंटरेस्ट खत्म हो गया. इंटरेस्ट नहीं आता अब, ऐसा लगने लगा बहुत अमीर हो गए वो. हाँ, हो गया बस, अब रिलेट नहीं कर पा रहे उनकी बातों से. रिलेट नहीं कर पा रहे. पहले जब वो पति पत्नी के झगड़े दिखाते थे ना, अलग सा ही मजा था. ये बच्चे, मेरे को लगता है व्लॉगर्स जो होते हैं ना, ये बच्चे शायद कंटेंट के लिए पैदा करते हैं, शादी किस लिए करते हैं. एक नया डोमेन फटा है जो थोड़े लोअर मिडिल क्लास वाले फैमिलीज वो अपना कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं. कोई ट्रक ड्राइवर है,
एक राजा ब्लॉक करके बंदा है, देखा है क्या? देखा है क्या? ठीक है, मैं तो कल पता चला हूँ मुझे भाई, वो तो उससे भी ज्यादा एक बंदा है जो बहुत ऐसे तो लोअर मिडिल क्लास से, अपनी दो बीबियां अभी और 16-17 साल का है, लड़का लड़की है, प्रेग्नेंट हो रखी है, वो वाला भी देखा है। अरे अच्छा, आप उसकी तलाश करती हो कि इसको डिकोड करूंगी अगली बार? हाँ, मुझे आइडियाज दे रहे हो आप, पता आपको अच्छा। आपके इससे मैं बहुत सारे आइडियाज निकाल चुकी हूँ। बढ़िया, याद रखना बस उन्हें। हाँ, मैं पता है क्या करती हूँ, मैं नोट्स पे लिखती रहती हूँ। हाँ। मैं भूल जाती हूँ, एक सेकंड का भी गैप हुआ ना, मैं भूल जाती हूँ, सब भूल जाते। खैर, हाँ, कंटेंट पे आते, तो वायरल कंटेंट देखा है आपने कोई, जो ऐसे लगा पहले तलाश कर लिया? या फिर दो चीजें होती है वायरल कंटेंट के साथ, क्या हमने तलाशा तब हाँ। उसके बाद वायरल हुआ हाँ, या एकदम ही हो गया बस, या फिर किसी और ने बताया, फिर हमने अच्छा वायरल हो रहा है ये, चलो अब देखते हैं। तो ऐसे फॉलो करते हो आप? नहीं करते कुछ? नहीं, को मीम्स भी नहीं पता होते इवन। और एक ऐसा होता है, एक ऐसा कंटेंट होता है जो हम किसी के साथ नहीं बता सकते, बहुत सेफ प्लेस में बैठ के देखते हैं, तो वो कौन सा कंटेंट है आपका? वो यही है कंट्रोवर्सी, सबसे बड़ा तो ये है कि मैं हाँ। देखूंगी किसी के सामने नहीं, क्या देखती रहती है यार मेरे, थोड़ा करते भी हैं लोग कि कैसी क्रिंज सी वीडियोस देखती है तू, बट मुझे वो मजा आता है देखने में। किस टाइप की कंट्रोवर्सी बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा, आप समाज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसी कंट्रोवर्सी है वो? नहीं, नॉर्मली ऐसे कोई कंट्रोवर्सीज नहीं है, गाली गलौज एकदम मारधाड़ की बात कर रहे हैं हम? नहीं, कुछ भी बॉलीवुड की कोई कंट्रोवर्सी हुई है, कोई इन्फ्लुएंसर्स की कोई कुछ भी हुआ है, अर्जुन क्या नाम है, अर्जुन कपूर मलाइका अरोड़ा ने किया हाँ, है इससे हाँ, अच्छा, चीजें हो गई हाँ। या फिर क्रिंज सी है जैसे आपने बताया हाँ। तो डोपामाइन अच्छा, तो मिलता है इनको देख के, देखो चेक, बिल्कुल क्रिंज है। एक ऐसी कंटेंट बना था, मैं भी सोचा था यार किसी ऐसे बंदे के साथ जो चटके हुए बंदे के साथ पॉडकास्ट करूँ, बातचीत करूँ, पर मिलता तो है डोपामाइन, मिलता है पर लोग देते नहीं कंटेंट, पता है वो अपने लिए अपने पास ही रखते हैं इस टाइप का ना, जब बनाते हैं। अब आते हैं वॉइस ओवर पे दोबारा से, तो आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करते हो वॉइस ओवर्स की? हाँ, या स्टोरी पढ़ते हुए, बुक्स पढ़ते हुए, हिंदी की हाँ, जैसे रीडिंग कभी मैं अगर कोई बुक पढ़ रही हूँ तब मैं करती हूँ हाँ। साथ साथ ऐसे कुछ भी पढ़ रही हूँ तो उसको लाउड पढ़ती हूँ जैसे ऐसे। क्या है रूटीन, बताना कुछ हमको रूटीन अब? हाँ, अब आजकल, अभी कुछ समय पहले तो मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो मैं बहुत बिजी हो गई थी। मैं बड़ी खुश हूँ कि मैंने की वो, क्योंकि वहीं से मेरे को इंटर्नशिप में कुछ नहीं सिखाते, बस ये होता है कि सब काम तुम्हें दे देते हैं कैसा मतलब, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, कैसा काम स्क्रिप्ट लिखो, कंटेंट बनाओ, कंटेंट सोचो और एक्ट भी करो उनके ब्रांड के लिए, उनके जो उनके क्लाइंट्स हैं। अच्छा, तो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं? हाँ, मतलब मैंने थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं किया है ज्यादा बड़े बड़े क्लाइंट्स, लेकिन हाँ मैंने सीखा वहाँ पे काफी ज्यादा। कितना टाइम लग जाता है स्क्रिप्ट बनाने में, प्रोसेस क्या होता है? मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी लिखूँ कुछ, पर पता ही नहीं है, मेरे साथ आइडिया है दिमाग में लेकिन प्रोसेस नहीं पता कि लिखना कैसे होता है, स्क्रिप्ट बनानी कैसे होती है। मेरे साथ चैलेंज यही था ना सबसे बड़ा, मैं हूँ वो रैंडम बोलने वाली इंसान, मेरे को वो प्रॉपर फॉर्मल नहीं आता बोलना ना लिखना, सेम मेरे साथ ही ये दिक्कत हुई मुझे स्टार्टिंग में, स्ट्रक्चर नहीं पता हमें, स्ट्रक्चर नहीं पता। फिर मुझे वो बताते थे कि पहले प्रॉब्लम बताओ उसका सोल्यूशन बताओ, ओके, सबसे पहले जो उसका हेडलाइन होगी वो सबसे कैची होनी चाहिए, उस पर प्रॉब्लम बताओ, लोग रिलेट कर पाए कि अच्छा ये दिक्कत है तो हम इसका सोल्यूशन ये लाए। Okay. तो आई थिंक ऐसे एक पैटर्न होता होगा हर चीज का, स्क्रिप्ट में अभी वीडियो की तरफ तो जा ही नहीं रहे हम, नहीं वीडियो की तरफ नहीं जा रहे, तो स्क्रिप्ट में यही था। करते करते वो जो मेरा थे, जो मेरे बॉस थे, बॉस हाँ, मैनेजर जो भी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मतलब वो खुद भी ऐसे रेडियो वाली फील्ड से थे तो वो काफी मुझे जी हाँ, बहनों भाइयों हाँ, तो उनका लिखा उनका बहुत अच्छी लिखाई बहुत अच्छी थी, बहुत कैची, तो उनके साथ रह के मेरे को भी काफी सीखने को मिला। तो इसमें क्रिएटिव ब्लॉक जैसे ऐसा हमको आता है कभी कभी, हम रिपीट कर देते हैं आइडियाज स्क्रिप्टिंग में ना, बहुत होता है कि अगर हमको एक आइडिया बहुत अच्छा लग गया या हाँ। बहुत कनेक्ट हो गया उससे, तो हम कुछ ऐसा ही लिखते हैं हर बार, हम उसी पे इन्फ्लुएंस घूम फिर के वहीं पहुंच जाते। तो आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा देखो होता तो सभी के साथ होगा, बट आई जस्ट ट्राई कि यार अलग करना है कुछ, या देखते हो आप रीड करते हो कि और लोग कैसे स्क्रिप्ट बनाते हैं, किस स्टाइल में बनाते हैं? मैं पता नहीं, देखती नहीं किसी का कंटेंट, मेरे को ऐसे भेजते भी है लोग कि यार इससे तू देख सकती है, इससे आइडिया ले सकती है, वो नकली लगता है मेरे को, ऐसा लगता है कि कॉपी ना हो जाए कुछ जरा सा भी, मुझे अपना बनाना है खुद का, मुझे ओरिजिनल रखनी चीजें हाँ। तो मैं अब वो करती हूँ, अवॉइड करती हूँ। तो अभी कैसे बनाते हो कंटेंट, अब एंजॉय करते हो बनाना? घर पे क्या रूटीन है कि मैं जब बनाऊंगी? देखो मैंने अभी दिन की शायद महीने से मैं दिन की एक वीडियो डाल रही हूँ रोज, ओके, तो थोड़ा चैलेंजिंग रहती है ये चीज कि शुरुआत तो क्योंकि फन में करता है हर इंसान है ना, कि मजा आ रहा है तो कर लिया हाँ। बट फिर जब नंबर अच्छे आ रहे हैं तो प्रेशर भी पड़ता है साथ में कि यार अब अच्छा ही बनाना है हाँ। ना जरा से भी खराब हुआ तो डिसअपॉइंट हो जाएगी ऑडियंस, चल ही ना रहा है, एक बार चल जाती है तो इसके बाद और प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ता है एग्जैक्टली हाँ। बट देन वही है कि काफी मैं लोगों से बात भी करती हूँ ऐसे इस बारे में, दोस्तों से और काफी जो और कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं,
तो वो लोग यही कहते हैं कि यार तू ये याद करा कर उस टाइम पे कि तूने शुरू क्यों किया था, मज़ा आ रहा था इसलिए किया था ना, तो इतना प्रेशर लेना क्यों है, तू खुद मजे नहीं लेगी तो सामने वाले को मजा कैसे दिलाएगी। और वो भी क्या ऐसा ग्रुप बना रहता है क्या कंटेंट क्रिएटर का, जैसे आप आपने बना रखा है, आपको मिल गया क्या गेट पास एंट्री कम्युनिटी में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कह हाँ। सकते हो कि, और मेरे को समझ नहीं आता, मुझे कंटेंट क्रिएटर से ज़्यादा रैपर्स फॉलो कर रहे हैं और अच्छे अच्छे रैपर्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि जैसे एक चार दीवारी करके रैपर है, क्या क्या गाना गाया ना उसने, क्या झाग करके गाना है, झाग ही सुना है मैंने, नहीं अरे अच्छा लोग बात नहीं, उतने अच्छे गाने बनाए, अच्छा रैपर है, और एक फॉलो करता है आपको, हाँ, और एक रागा करके है, रागा तो दिल्ली वाले रैपर, हाँ वो उन्होंने किया था, रैपर्स में और भी थे काफी हैं, मतलब बहुत, क्योंकि रैपर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना इसलिए जो, क्योंकि जनरली सिंगर ना एक एक ही ट्रेडिशनल अप्रोच को लेकर चलते हैं, रैपर्स थोड़ा वो देखते हैं कि क्या फट रहा है, क्रिएटिव भी होते हैं वो थोड़े, मीम एस्पेक्ट से भी देखते हैं अपने सॉन्ग राइटर, रेफरेंस गेम भी होता है इनके इसमें, इसलिए वो देखते रहते हैं कि, क्योंकि और आपके जैसे क्रिएटर लेटेस्ट ट्रेंड को उठाकर बना रहा है जो कंटेंट, तो उन्हें पता है कि ये बंदा अपडेटेड है या ये लेटेस्ट बातें कर रहा है, तो इसलिए वो कनेक्टेड रखना चाहते हैं अपने आप को। हाँ ये मुझे काफी चीजें रियलाइज करा रहे हो आवाज, ठीक है अच्छा ये रीजन है। तो और कुछ क्या चीज इरिटेट करती है अब आजकल, इरिटेट मैं इरिटेट करना मुझे, मैं बताता हूँ ना फिर आप ये बोलेंगे मुझे कुछ इरिटेट नहीं करता, फिर मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा कि ये करता होगा इरिटेट, बताओ। बस मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ मुझे लगता है, जल्दी उठना नहीं मेरे को, कोई सुबह उठ के मेरे से बात मत करो, चुप रहो मेरे से दूर रहो, अगर तुमने मेरे से बात करी है, कौन लोगों ने क्या बात कर दी, कुछ भी किसी का कॉल आ जाए तो मेरे को सामने से बोलना पसंद नहीं, किसी ने कॉल किया तो मैं सुबह मतलब आप बहुत सीरियस पर्सन बन के रहती है क्या, मतलब ऑपोजिट लगेगा आपको कोई और आई, तो आलस भी तो होता है ना एक सुबह वाला, इरिटेशन होती है सुबह, वो आवाजें इतनी सुननी, एक तो वो आपने आईफोन की सुनी आपने अलार्म, अरे भाई उससे इरिटेटिंग जिंदगी में कुछ, अरे मैंने भी ऐसी लगा रखी है, वो जानबूझ के आदमी दहल जाए, वो हॉरर है एक्चुअली वो अब जो इरिटेट और बताता हूँ, इरिटेट क्या करता होगा, डीएम आते होंगे आपके पास अजीब गरीब इंस्टाग्राम पर, एक आया था कि ये मैसेज जब आपने देख ही लिया है तो इसको ना आगे चार लोगों को शेयर करें, अगर आपने नहीं किया तो आपके घर में बीमार हो जाएगा, ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा, अगर नेगेटिव चलो मेरे बस बैक करो, आपका नंबर क्या है नंबर दे दो। एक लड़का बड़ा फनी इंटरेस्टिंग सा था, अरे क्या करती रहती हो जाकर सो जाओ, फिर अगले दिन मतलब मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, और बताओ आज कॉफी बनाई क्या, सीन कुछ कर भी लिया, सीन आ गया, कुछ भी सीन नहीं किया, मैंने उसको खुद से बातें करा जा रहा है अपने आप, है ऐसे लड़के ऐसे है, और मुझे बड़ा हंसी आती है, वो पता है वो अप्रोच है भी, ये सब भी हाँ, कि अटेंशन सीकिंग हो गई ना एक तरीके से। और कोई फेक अकाउंट बना रखा है जिससे आप, कल ही हुआ था ऐसा हाँ। कि एक लड़का था जो लड़की के अकाउंट उसने बना रखा था लड़की की फोटो लगा के, और वो करता रहता था कमेंट वगैरह और हर चीज, दीदी दीदी वो गाना सुना दो ना प्लीज, तो मैंने कहा यार मैं कर देती हूँ ऐसे रिप्लाई व्लाई कर देती हूँ, और जो मुझे कोई कहता है गाना मैं वॉइस नोट करके भेज देती हूँ बकायदा, तो मेरे को अच्छा लगता है करना ऐसा, तो मैंने भेजा उसे इन्फ्लुएंसर, बताओ लोगों की रिक्वेस्ट डीएम में फॉलो करी जा रही है। हाँ मैं मतलब कर देती हूँ ऐसे रिप्लाई व्लाई, तो कहता वो ना मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि मैं जेन्युइन फैन हूँ आपका, तो मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, ऐसे लिख के अच्छा। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक लड़का हूँ जिसने लड़की की अकाउंट बनाई है और मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने कहा दिस इज बैड, फिर मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया बैक, बेटा तूने मुझे धोखा दिया है। हाँ भाई मैंने तो मन से उसको वॉइस नोट भेजा कि लड़की है चलो भेज देती हूँ, जिंदगी बना देती हूँ उसकी, हाँ खुश हो जाता है इंसान ऐसे। उसके अलावा नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं, लोग आपको कहाँ और देख सकते हैं, क्या बताना चाहते हो बता अभी सकते? शायद मेरे गाने आ सकते हैं, अच्छा अच्छा कैसे भी टाइप के गाने आ सकते हैं, अभी रैप का भी एक प्लान चल रहा है okay. किसी एक अच्छा रैपर है आपने शायद सुना होगा, चलो अभी नाम नहीं ले रही मैं, आई एम नॉट रिवीलिंग इट, ठीक है। जॉनर मतलब क्या, किस टोन में होगा, किस मूड में होगा वो रैप, कुछ भी हो सकता है, जैसे कितना चिर सुना आपने, कितना चिर नहीं सुना आपने, काफी वायरल सॉन्ग था अज जाननी मैं जान तेनू देना, सुना है? हाँ ये सुना, ठीक है तो ये, और बाकी एक सैड सॉन्ग आ सकता है, सैड ही लिखती हूँ मुझे लगता है मैं। अच्छा आप लिखती भी हो, हमने तो ये बात ही नहीं करी। हाँ अच्छा आप स्क्रिप्टिंग भी, वो सॉन्ग्स भी लिखती हो क्योंकि मैगी वाला जिंगल या मैगी वाला सॉन्ग लिखता, तो उस राइटिंग का क्या प्रोसेस है? राइटिंग का प्रोसेस सबका अलग अलग रहता है, मेरा तो ऐसा रहता है कि देखो कुछ अलग अलग टाइप के राइटर्स होते हैं, कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो एक्चुअली उस फील्ड में होता है तो लिख रहे हैं हाँ. है ना, कुछ होते हैं जो
क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में, वो फिर लिख रहे हैं. जैसे किसी का क्लाइंट का काम आया कि इस फील्ड में लिखना है तो लिख ले रहे हैं. वैसे मुझे लगता है ऐसा कर लूँगी, बट ज़्यादा एफर्ट लगता है ऐसा करने में. जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं, मेरा एक दोस्त है जो रेगुलरली लिखता है, रोज़ की एक चीज़ लिखता ही लिखता है. क्या लिख रहा है मतलब? वो कुछ भी लिखेगा, वो रोज़ का चाहे गाना लिखे चाहे एक पोइट्री लिखे, वो प्रैक्टिस की बात है ना, वो कंसिस्टेंसी. आइडिया को पेपर पर उतार रहा है. हाँ, कुछ भी उसका दिमाग चल रहा है, मशीन है, है ना. जंक लग जाएगा जितना नहीं चलाओगे, है ना. तो वो बिल्कुल ऐसे तेल डाल के रखता है अपनी मशीन में. सही है ना. तो वो रेगुलर कुछ ना कुछ लिखता है. तो उसको कुछ भी बोल दो आप, किसी का अभी आपके बर्थडे सॉन्ग लिखने के लिए कहोगे वो लिख देगा वो. आपके नाम पे कोई गाना वो लिख देगा वो. माइक पे गाना लिख देगा वो. पेंटिंग पे गाना लिख देगा वो. बहुत ही वो है, इम्प्रॉम्प्टू है कि इम्प्रॉम्प्टू बोलो तुम सारे ऑब्जेक्ट को मिला के कुछ भी कर देगा वो, कुछ भी गाना लिख देगा. बट मैं वैसा, मेरा थोड़ा अलग रहता है. एक थॉट है कि जैसे एक फ्रेंडशिप सॉन्ग बनाया था, यारी तेरी. ओके, ठीक है. तो उसमें था कि एक ऐसी फ्रेंडशिप के बारे में लिखना है. उन्होंने मुझे बताया था बकायदा कि क्या इमोशन चाहिए, और वो मेरे साथ हुआ हुआ था तो मैंने लिख लिया उस हिसाब से. वो ऐसा कुछ इमोशन था कि स्कूल में दोस्त होते हैं, ऐसे मेरी भी एक दोस्त थी स्कूल में, मेरी बहुत, माय ओनली तो नहीं, मतलब मेरी वन ऑफ द फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स जो अब नहीं है कोई. क्यों, उसकी शादी हो गई या फिर? नहीं, उसकी शादी तो नहीं हुई, बट लड़ाई हो गई थी हमारी. लड़ाई हो गई थी बीच में, फिर मन मुटाव आ जाते हैं छोटे मोटे, वही सब चलता रहता है. गर्ल फाइट मतलब अच्छी दोस्त है वो. ठीक है. तो ऐसा होता है कि कुछ दोस्त होते हैं जो हर समय एक दूसरे से चिपके रहते हैं. घर वाले भी होते हैं, ये हर समय इसका तो यही है, यही यही है ना, उसी का नाम हर समय. हाँ, उसके वो आई है. हाँ हाँ, हर चीज़ वही. तो घर वाले भी चिढ़ जाते हैं और तुम उसी के बारे में बात करते हो घर में, और अचानक से वो बंदा तुम्हारे साथ रोज है, लेकिन उसके पापा का हो जाता है ट्रांसफर, वो चला जाता है. ठीक है. तो वो जो इमोशन है कि यार मैं तेरे को ही तो हर चीज़ बताती थी, तेरे से ही तो हर बात शेयर करती थी, अब मैं किसके बारे में बात करूँगी, हमारी बातें भी होनी कम हो जाएंगी. तो ऐसे ही था कि पहचाने मेरे आंसू बारिश में भी, क्यों मिले होना जो था जुदा, तुम नहीं अब यादें रहेंगी, अब होगा सब कुछ बेवजह. क्या बात. तो ये लाइंस थी. तो काफी simple, काफी डीप, सिंपल, एकदम सिंपल सी बात है कि पहचाने मेरे आंसू बारिश में भी. उस सामने वाले बंदे की बात कर रहे हैं कि वो बंदा मुझे हर हर फेजेस में पहचान पाता था, और अब तू नहीं है तो मैं बेवजह ही हो गई सब. हाँ, कि मेरे को बिल्कुल अनफिल्टर्ड थी मैं तेरे सामने. बारिश में जैसे होता है ना कि लोग ऐसा पोएटिक वे में बोलते हैं कि बारिश में आंसू नहीं दिखते तो पानी दिखता है, पर तू मेरे आंसू बारिश में भी पहचान लेता है. तो ये थॉट था इसके पीछे, जो कि ये गाना मैंने डाल दिया था, अब ये रिलीज्ड है, लेकिन मेरा मन है इसको दोबारा से एक अनप्लग्ड वर्जन इसका रिलीज करने का, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद. ऐसे ही है, रीराइट तो बनते ही रहते हैं, रीराइट तो करने ही पड़ते हैं. बाकी जैसे अभी हिप हॉप बता रहे थे कि हिप हॉप, तो उसमें अपना वर्स लिखोगे भी खुद? मे बी द, हाँ, कुछ या तो मैं अपना वर्स भी लिख सकती हूँ, या फिर कुछ मे बी हुक या कुछ और, देखते हैं. अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करी है उस पे, अभी बैठ के अभी नहीं करी, अभी मिलना भी, अभी प्रोसेस में, बातें चल रही हैं, बातें चल रही हैं. और उसके अलावा और कौन से गाने, सैड सॉन्ग? और एक सैड सॉन्ग है कि जैसे कभी कोई दोस्त होते हैं, ठीक है, तो कुछ भी रीजंस की वजह से, वही है यार, दोस्ती के राउंड चलती है मेरी जिंदगी, मेरे को लगता है पूरी. ठीक है, कि कोई दोस्त थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, बट ड्यू टू सम रीजंस, कुछ भी हो सकता है, वो बात करना बंद कर दिया अचानक से. हाँ, वो एक होता है ना, हाँ, गोस्ट वाला बोल दो, या फिर गोस्ट वो, भी वो नहीं, अटेंशन जो पहले मिलता था वो अटेंशन कम होता. हाँ, और वो किसी ऐसे नहीं कि यू ही, किसी रीजन की वजह से, जो पता नहीं है. पता तो है. अच्छा, ठीक. हाँ, तो कुछ भी रीजन हो सकता है. तो ये तो लड़कों के साथ भी रिलेट करेगा, क्योंकि लड़कों के साथ तो बहुत होता है, लड़कियों के साथ तो बहुत कम होता है ये, ऐसा कि लड़कियों को बिना किसी रीजन के किसी ने गोस्ट कर दिया. बट लड़कों के साथ तो ये हर दिन हो रहा है कि कोई ना कोई, वो पहले तो बहुत अटेंशन मिल रहा, आपको भी पता होगा कि जब एक बंदा एक बंदी के साथ चैटिंग पे होता है और वो एक नॉन अनडिवाइडेड अटेंशन हो रहा होता है, बात हो रही होती है, फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद या कुछ बाद उनके बीच में वो चैट या वो बातें नहीं चल रही होती, और लड़की या तो लड़की का दूसरा बंदा बन चुका होता है, या लड़की को कोई और पसंद आ गया होता है, इस वजह से उनकी बातें नहीं होती. तो लड़कों के साथ ही बहुत होता है, पर लड़कियों के साथ बहुत रेयर होता है, क्योंकि देर आर मैनी गर्ल्स, नहीं देर आर मैनी बॉयज, बट देर आर लेस नंबर ऑफ गर्ल्स. तो वैसा तो वही था, उसमें भी ऐसी लाइन्स थी कि क्या है उसूल ये जिंदगी का, कि पास जो पास आए वो ही अब पास ना आए. Okay. जो इतना पास आए थे वो पास अब नहीं आ रहे हैं, ये उसूल यही है क्या जिंदगी का? हाँ, मतलब वो एक वो दिखा रहा है, क्या नाम है, लॉस, लॉस तो लॉस भी कि ये क्या यही होता, यही होता है क्या यार इस दुनिया में? लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं हम? नहीं, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिख रही हूँ. okay.
तो ऐसे कि मतलब उसमें मैंने एक्चुअली ये चीज़ जैसा आपने अभी मोमेंट की बात की थी ना कि आप उस मोमेंट में हो, मैं ऐसे लिख रही हूँ, वो मैंने एक्चुअली इस गाने में किया था कि क्या याद है वो चीज़ें जो साथ में करनी थी। अच्छा। हाँ है यही वो कमरा जहाँ बातें हजार की थी। तो ये कि ये वही कमरा जहाँ मैं गाना लिख रही हूँ, वही कमरा जहाँ बातें हजार की थी। हाँ। तो और ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कम वाकिफ है, हम लोगों ने सुना भी नहीं है कुछ ऐसा, कोई सॉन्ग वगैरह भी है नहीं, किसी ने कुछ कोई किसी पोइट्री भी नहीं है इवन कि लड़की कोई बोल रही है ऐसी बात है। क्योंकि काफी वल्नरेबल स्टेट है और लड़की एक्सप्रेस नहीं करती है वाली स्टेट के, हम क्यों बताए, हमको तो इतना अटेंशन मिलता है हम क्यों बताए ये बात। और कैसे रीच आउट कर सकते हैं, कोई ब्रांड वर्क करना चाहे आपके साथ तो ईमेल के थ्रू क्या है प्रॉपर चैनल, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, डीएम देखें, इंस्टाग्राम पे स्कैम हो जाते हैं बहुत सारे। हाँ, बड़ा डर लगता है भाई, है ना। हाँ, थोड़ा सा सोच। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये जो फेमस हो जाता है सेलिब्रिटी, आपको डर लगता है कि इंस्टाग्राम अकाउंट हैक ना हो जाए? हाँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि एक और अकाउंट बना लो बैकअप, मेरे को फिर अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ ऐसा बीच में हुआ था कि ये चीज ऐसा हुआ था कि मेघा रेसा जो मेरा अकाउंट है वो सिंगिंग के लिए बना था। हाँ, मेघा रेसा मागा रेसा, ठीक है, नाम से भी आ रहा है। तो मैं उस पर फनी कंटेंट अगर डालती थी तो लोग मुझे बड़ा बोलते थे कि इस पर क्यों डाल रही है, इसके लिए अलग से अकाउंट बनाना है ना, लोग कंफ्यूज होते हैं, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कंफ्यूज होता है कि क्या चाह रही है लड़की। हाँ, सिंगिंग करनी है कि कॉमेडी। तो उसके मैं अलग से अकाउंट बनाया था मेघा हाहा ही करके, ठीक है। तो बढ़िया, वो पकड़ रखा है आपने, मेघा हाहा कर दिया। हाँ, तो मेरे को उस पर ना फील नहीं आती थी डालने में, डालती थी मैं कि हाँ डालना है तो डाल दिया, लेकिन जो अटैचमेंट मेघा रेसा से है ना, उतना पुराना अकाउंट है। और मेघा रेसा वाली प्रोफाइल पिक्चर भी अच्छी लगा रखी है आपने, ऐसा लग रहा है फिल्मी फिल्म जैसे। हाँ, फिल्म का सीन हो एक अलग से। हाँ, वो कवर था मेरा, वो ये रातें मौसम का एक कवर था। अरे गाना तो हम गाने गाएंगे, लेकिन बढ़िया। करें हो अज जाननी मैं जान तेनू देना, गल संग वाली सारे मैं मिटा देनी आ, फोटो दिल दे कोने चे जो लुका के सी मैं रखी अज अखां दे सामने खड़ा देनी आ, तकदा ही जावा ना तेनू चाहवा, नजरां तेरे तो ना हटावा मैं, तेनू इंज शर्माना, अखां नू झुकाना तेनू वेखदे ही था मर जावा मैं, किन्ना चिर तेनू दिल च लुका के रखे आ। जो परफॉर्मेंस देखने का लाइव परफॉर्मेंस में एकदम ऐसा फील आता है कि प्योर ब्लिस। दूसरा वाला वो वाला क्या नाम है, अपने पुराने गाने सुनते हो क्या? हाँ, कौन सा, कोई गाना बताओ पुराना। बड़े अच्छे लगते हैं, नहीं इसका वर्स भी है ना बड़ा प्यारा सा, सुना? बताओ इतने में गाना याद करता हूँ। हम तुम कितने पास कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम। मजा आ गया। अब एक बार अपना गाओ कोई। अपना गाऊं? ये गाने का जो एंड वाला वर्स है ये एक तरह से कंक्लूजन है गाने का, कि यार सार यही है कि कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिन, रोती रहूंगी बस अवरा रात और दिन, आज आंसू बहने ही दे सहने ही दे, आज तक हंस के गम ही मिला, सबसे प्यारी चीज थी मेरी यारी तेरी, अब होगा सब कुछ बेवजह हो 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 हो। खतरनाक, एकदम लिरिक्स भूल गई थी बीच में। वो वाला जब बीच में पॉज आया था। हाँ, वो एक करना चाहता हूँ मैं, जो वो वाली वायरल रील हुई थी ना जो भगवान जी का गाना गाया था। करे
हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। थैंक यू सो मच आपका। आपने मेरे को लगता है कि जो साइड आपने दिखाई है, मुझे लगता था कि आप ऐसी पर्सन हो गए, ऐसी पर्सनैलिटी होगी, लेकिन उसमें जो एक होता है ना इमोशनल पार्ट के इतना होगा या फिर उसमें कितना रियल है, कितना था इंस्टाग्राम में दिखाने के लिए, उससे हेल्प मिली मुझे इस जानने में। और जो एक वॉइस का पर्सपेक्टिव होता है कि जैसा आपने बताया कि इम्फेसिस कहाँ होता है, डिक्शन कहाँ होता है, वो चीज़ थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही आती है। ऐसा जितना हमें दिखता है कि बहुत आसान है, जितना आपने दिखाया इजीली कि मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, देखो आपके लिए इंस्टाग्राम पर रील तैयार कर दी, वो इतना ईजी नहीं है, प्रैक्टिस से ही आएगा। वो सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ जानने को मिला था, बट थैंक यू सो मच आपने इतनी सारी स्टोरीज और अपनी पर्सनल लाइफ में झांकने का मौका दिया। आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो बता दो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अगर कुछ उल्टा सीधा बोला हो, इधर उधर की बातें करने में बुरा लगा हो, तो सॉरी फॉर दैट। नहीं, थैंक्स फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऑनेस्टली मैं अभी इसको यही बता रही थी कि मेरे को मोटिवेशन आ गई एक्चुअली आपको देख के ना, कि मेरे को भी ऐसा कुछ करना है, लाइक आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन पॉडकास्ट। हाँ, अच्छा है। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, इतना कैजुअल बात हमने करी, तो एकदम अपना अपना जैसा लगा, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।